अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको चपली कबाब बनाने की रेसिपी दूंगी जो कि हमसे फरमाइश की गई थी कि प्लीज़ हमें चपली कबाब बनाना सिखा दें, हमारे टूट जाते हैं या हमसे सही नहीं बनते। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा, इससे आपके जो चपली कबाब है वो बहुत मज़े के बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। सबसे पहले ये मैंने कीमा लिया है, आधा किलो से ज़्यादा ये मेरे पास कीमा है, और जो जो चीज़ें इसके अंदर डालेंगे वो है, ये मेरे पास ये ग्रीन ऑनियन है, ये मेरे पास ग्रीन ऑनियन है, ग्रीन चिली है, और ये टमाटर है। तो ये मैं आपको बताती चलूं कि ये जो स्प्रिंग ऑनियन है मैंने लिए हैं, दूसरे वाले नहीं लिए। उससे ये होगा कि अगर आप दूसरे वाले प्याज अगर कीमे के अंदर डालेंगे तो वो पानी छोड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके जो वो चपली कबाब है वो टूट जाने का खदशा होता है, ठीक है। और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तकरीबन मैंने ये पांच प्याज लिए हैं और ये एक टमाटर मैंने बड़ा लेकर उसके सीड्स निकाल दिए हैं और उसको ये बारीक बारीक इस तरह मैंने चॉप कर लिए। ये मैंने तकरीबन 7-8 ग्रीन चिली लिए हैं, ये भी मैंने बारीक काट लिए हैं, और जितनी आप लेना पसंद करें, जितनी आप डालना पसंद करें तो उतनी आप ले सकते हैं, ठीक है। और सॉल्ट मैं हमेशा यही कहूंगी कि आप अपनी मर्जी से ऐड करें सॉल्ट। फिर ये मेरे पास गरम मसाला है, ये अनारदाना, और ये मैंने जिंजर गार्लिक को मैंने बारीक बारीक देखे काट के चॉप कर लिया है, इस तरह से आप भी कर लीजिएगा, इसको बारीक, इसका पेस्ट नहीं बनानी आपने। ये मेरे पास जीरा पाउडर और सूखा धनिया लेकर आपने इसको कूटना है, क्रश करना है, आपने इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना है, देखिए इस तरह से। और फिर मैंने तकरीबन 4 इसमें डालने के लिए एग लिए हैं, जो कि मैंने 2 का मैंने ऑमलेट बनाया है। सिर्फ आप सिंपल इसको फेंट के, तो आप इसको जरा सॉल्ट डाल के आपने फेंट लेना है और बारीक बारीक इसके पीसेस कर लेने हैं। 2 अंडे आप ऐसे रख लीजिएगा जो कि मैं अब इस कीमे के अंदर डालूंगी। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ जी, तो कीमा आप देखें, कीमे के अंदर आपने ये जो सारा मसाला घाटा था ये सब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून आपने ये जिंजर और गार्लिक डालना है इसके अंदर, 1.5 टेबल स्पून डालिएगा। ये अनारदाना है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है इसके अंदर, गरम मसाला भी आपने 1.5 टेबल स्पून डालिएगा इसके अंदर, और ये सूखा धनिया और जीरा पाउडर जो है वो भी मैंने 1.5 स्पून लिया है, वो डाले इसके अंदर, और ये जो 2 एग्स मैंने ऑमलेट बनाया था वो आपने सारा इसके अंदर डाल देना है, और साथ में ये वाले 2 अंडे जो सेपरेट मैंने आपको बताए थे वो आपने तोड़ के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और सॉल्ट आप अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने डाला है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं और इसके अंदर डाल दूंगी। अब आपने इसको अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीजों को इतना मिक्स करना है कि ये सब यकजान हो जाए, यानी कि ये इतना लगे जैसे कीमे के अंदर आपने कुछ डाला ही नहीं। सारी चीजें इतने अच्छी तरह से मिक्स करनी है, अगर आप ये सही तरह से इसको मिक्स नहीं करेंगे तो शायद हमारे कबाब, जब हम ये चपली कबाब फ्राई करने लगे तो ये खुल सकते हैं। हाँ जी, मैंने इसके अंदर ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और आपने ये 1 टेबल स्पून जो है ये कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसके अंदर डाल देनी है, फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इतने मजे के ये कबाब रेडी होंगे ना, ये आपके टूटेंगे, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत सी फरमाइश आई है कि हमें आप प्लीज चपली कबाब बनाने की रेसिपी दें, हमसे चपली कबाब अच्छे नहीं बनते। ये सही बात है कि समटाइम जो है चपली कबाब नहीं अच्छे बनते, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें डाली जाती हैं अगर सही मकदार में ना डले तो इसका टेस्ट जो है वो नहीं आता। आप इसको इसी रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपका जो है चपली कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। देखेंगे अच्छी तरह से मिक्स होना शुरू हो गया है, और ये देखिए आपने इसको बहुत ही ज्यादा सही तरह मिक्स करना है,
जितना आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ये कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे और ये खुलेंगे नहीं। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी तरह से मैंने ये मिक्स करके रख लिया है। आप इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि मसाले का जो सारा जायका है वो इसके अंदर आ जाए और जब आप कबाब फ्राई करने लगे तो वो असली टेस्ट दे कि ये वाकई चपली कबाब है। तो आप हमने तो अपने घर में प्रॉपर चपली कबाब बनाने के लिए पैन लिया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल सही बहुत ही मजे के चपली कबाब रेडी होते हैं। हमारे घर में तो बहुत पसंद किए जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह फ्राई करने हैं। सबसे पहले आपने इसको बनाइएगा, जरूर आप ट्राई जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही मजे के रेडी होते हैं। जो ओरिजिनल चपली कबाब है हमने वहां से ये रेसिपी ली है, जो कि जो लोग बहुत ही खाने के पसंद करते हैं खाने पीने का, हमने वहां से अपनी अम्मी से पूछा, सबसे मशवरा करके फिर हमने ये चपली कबाब आपके लिए रेडी किए हैं कि क्या चीज़ है जो कि इसमें डलती है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाती हैं। तो चपली कबाब जो है वो इस तरह देखें, इतना कीमा लेके ये आपने हाथ के ऊपर रख के आपने इसको इस तरह से इसको बड़ा सा बनाना है। देखिए बिल्कुल हाथ के ऊपर रखिएगा। हमेशा चपली कबाब जो है वो बड़े बड़े ही बनते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा हाथ पे आप पानी लगा लीजिएगा ताकि आपके हाथ में स्टिक ना हो। फिर आपने आराम से बहुत ही इसके अंदर बनते जाएंगे। साथ ही आपने फ्राई करते जाना है इसको। और ये बिल्कुल भी मैं आपके सामने बिल्कुल ये करूंगी, बिल्कुल ये टूटेंगे नहीं या कुछ भी नहीं होगा। इसको आप जैसे मर्जी आप बना के इसको रखें। नाज़रीन आप देखें कि ये मैंने दोनों तरफ से ऐसे ये ब्राउन कर लिए हैं। बस जब ये दोनों साइडों से ब्राउन हो जाते हैं तो आपने इसको निकाल लेना है। आप देखिए कि ये कितने ही इसके शक्ल अच्छी लग रही है। जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं उस तरह खाने में भी ये बहुत मज़े के होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ये बहुत पसंद आएगी। तो हमें याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।